दोस्तों आज हम बॉलीवुड की ऐसी कोरियोग्राफर के बारे में जानने वाले हैं जिनकी शादी तो नहीं हुई लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं, अपने काम से कम और टीवी शोज के जज के रूप में ज्यादा पहचाने जाती हैं। जी दोस्तों, सही पहचाना आपने, हम बात करेंगे कोरियोग्राफर गीता कपूर की, जिन्हें लोग प्यार से गीता माँ कहते हैं। गीता कपूर के लाइफ से जुड़ी वो बातें हम आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको पता हो। गीता कपूर का जन्म 5 जुलाई 1973 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम महेंद्रनाथ कपूर है और इनकी मां का नाम रानी कपूर है। एक बहन है, इनका नाम है अनुराधा, और एक उनका भाई है। गीता की पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी। 12th क्लास करने के बाद इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। गीता को बचपन से ही डांस करने का शौक रहा था। 15 साल की एज में ये फराह खान के ग्रुप में शामिल हो गई थी। फराह के ग्रुप में गीता ने डांस की बारीकियां सीखी और साल 1998 में गीता फराह की असिस्टेंट बन गई। इसके बाद गीता माँ ने ओम शांति ओम, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनकर काम किया। इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर की शुरुआत हुई थी फिल्म फिजा से, जो कि साल 2000 में आई थी। इसके बाद हे बेबी, अशोका, साथिया और बहुत सी फिल्मों को कोरियोग्राफ किया और नाम कमाया। फिल्म मैं हूं ना के दौरान गीता कपूर का नाम पहली बार जुड़ा राजीव पंजाबी नाम के एक कैरेक्टर एक्टर के साथ में। राजीव ने मैं हूं ना फिल्म में पारसी के नाम का किरदार प्ले किया था और इन्होंने भी कई सारी फिल्मों में बहुत काम किया है। गीता और राजीव का फिर मुश्किल से 1 साल लंबा चला और दोनों अलग हो गए। गीता कपूर भले ही फिल्मों को कोरियोग्राफ कर रही थी, इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत पहचान भी बनी थी, लेकिन इन्हें बाहर कोई नहीं पहचानता था। लेकिन एक वक्त आया जब गीता कपूर ने टीवी में डेब्यू किया। शो का नाम था डांस इंडिया डांस। गीता कपूर इसमें जज बनी थी। इसके बाद 2010 में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में जज बनी, तो गीता कपूर से गीता माँ के रूप में फेमस होती चली गई। आज भी गीता को फिल्मों में काम की वजह से लोग कम जानते हैं और टीवी पर जज की भूमिका से ज़्यादा पहचानते हैं। वैसे भी कुछ 4-5 फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो गीता कपूर के पूरे करियर में अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेस कोरियोग्राफी नहीं है, लेकिन गीता कपूर के सर पर फराह खान का हाथ रहा है तो इन्हें काम मिलता रहता है। बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम इन्होंने अभी भी नहीं किया है, लेकिन गीता कपूर ने टीवी पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बनाई हुई है। गीता और फराह की दोस्ती की वजह से साजिद खान भी गीता का दोस्त बन गया था। साजिद खान फराह खान का भाई है। साजिद खान वैसे भी लड़कियों के सामने पेंट की जीप खोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे गीता कपूर और साजिद खान की दोस्ती काफ़ी आगे चली गई, दोनों का अफेयर हो गया। गीता और साजिद 1.5 साल तक रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। कहा तो ये भी जाता था कि साजिद गीता से शादी करना चाहता था, लेकिन गीता कपूर 1.5 साल साथ में रहकर समझ चुकी थी कि साजिद खान किसी एक के साथ रहने वाला इंसान नहीं है, उसे हर दिन नई नई लड़कियां पसंद आती हैं। इनके ब्रेकअप का एक कारण ये भी हो सकता है कि गीता कपूर का उन दिनों टेरेंस लुइस के साथ में नाम जोड़ा जाने लगा था। टेरेंस और गीता टीवी पर एक साथ काम किया करते थे और अभी भी करते हैं, तो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। गीता कपूर ने एक बार बयान दिया था कि उनकी माँ चाहती हैं कि वो टेरेंस के साथ में शादी कर लें, लेकिन टेरेंस हस्बैंड मटेरियल नहीं है तो वो शादी जैसी बातें नहीं सोचती, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहती हैं। हालांकि ये दोनों ज़्यादा समय तक रिलेशनशिप में नहीं रहे, दोनों अलग हो गए। गीता कपूर ने 1-2 फिल्मों में छोटे छोटे कैमियो भी किए हैं, जैसे कुछ कुछ लोचा है नाम की एक फिल्म थी जो कि 2015 में आई थी। इसके अलावा 1998 में कुछ कुछ होता है में एक गाने में नजर आई थी जिसमें ये लीड डांसर बनी थी। वो गाना भी काफ़ी फेमस हुआ था, लेकिन उस समय गीता को बॉलीवुड में कोई जानता नहीं था। गीता टेरेंस के अलावा कुछ समय के लिए संदीप सोपारकर के साथ में रिलेशन में रह चुकी हैं। संदीप सोपारकर भी एक कोरियोग्राफर है और वो मैरिड भी है, लेकिन बॉलीवुड वालों को शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कभी भी किसी के साथ भी मौके को हाथ से जाने नहीं देते। खैर, गीता कपूर ने 1-2 प्रोजेक्ट के लिए मॉडलिंग भी की है और उन्हीं दिनों इनकी दोस्ती हुई थी रेहान मोहम्मद से, जो कि खुद भी एक मॉडल था। आगे बात बढ़ी और दोनों रिलेशन में आ गए। 6 से 7 महीने तक दोनों रिलेशनशिप में रहे होंगे। मॉडलिंग का काम ज़्यादा नहीं चला तो रेहान का साथ भी जल्दी छूट गया। गीता कपूर की अगर 4-6 फिल्मों को छोड़ दिया जाए, जैसे फीजा, हे बेबी, 30 मार खान, अशोका, साथिया या फिर अलादीन, इसके अलावा कहीं भी इनका जिक्र नहीं आएगा। टीवी पर भले ही इन्होंने बहुत नाम कमाया हो, गीता कपूर एक बार उस समय चर्चा में आ गई थी जब गीता की सिंदूर लगी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस समय अफवाह ये उड़ने लगी थी कि गीता ने चोरी छुपे शादी कर ली,
गीता कपूर उस समय राजीव खिंची नाम का एक मॉडल है उसके साथ में रिलेशन में थी। गीता कपूर ने हालांकि अपने किसी भी रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन उनके नाम की चर्चा आए दिन किसी न किसी के साथ में होती रहती है। गीता कपूर 30 साल से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में काम कर रही हैं। गीता कपूर का टोटल नेटवर्थ है 40 करोड़ से भी ज्यादा और वो मुंबई में एक आलीशान जिंदगी जीती हैं। उम्र 50 साल से भी ज्यादा हो चुकी है लेकिन अभी भी वो सिंगल हैं। तो गीता कपूर का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके बताना और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाना। थैंक यू।